हेलो बच्चों, आज हम ड्राइंग बनाएंगे सीनरी, लेकिन अलग तरीके से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद हम ड्राइंग बनाएंगे। डायरेक्ट कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले हम ट्री बनाएंगे, इसके लिए मैंने ब्राउन कलर लिया है। हमने ट्री बनाना सीखा है पहले, ऐसे यहाँ डायरेक्ट कलर से हम इस तरह ट्री बनाएंगे। ऊपर पतला, नीचे थोड़ा सा मोटा, इस तरह से ट्री, इसके डालियाँ बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़े से स्टोन्स बनाएंगे। अभी यहाँ पे ग्रीन कलर दे रही हूँ मैं ग्रास के लिए। अभी हमें इतने क्या करना, इस तरह हम पानी का आउटलाइट बना सकते हैं, पीछे बाहर बना सकते हैं, जो भी हमें बनाना है वो बना सकते हैं। अभी यहाँ पे हील बनाना है हमें, पानी बना है। इसके लिए ब्लू कलर ले रहे हैं हम इस तरह। अब इसके अंदर एक मैं बोट बना रही हूँ, तो बोट के लिए क्या करना है, हम बोट बना देंगे एक। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म में कोई बैठा इधर, ठीक है। अभी हमें करना क्या है इसमें, अब हम मैजिक करेंगे। जो भी हमने बनाया है ट्री, इसमें हम क्या करेंगे, लीव्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ट्रायंगल, इस तरह से छोटे छोटे ट्रायंगल्स। ठीक है, इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जितना हमें चाहिए और लीफ चाहिए तो हम और ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ इस तरह। अभी जो स्टेम है बीच में, हम पूरा कलर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे हम कोलार्ज में कैसे बनाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों से, वैसे यहाँ पे हम छोटा ट्रायंगल या स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरह से हम इसे भर देंगे। दो अलग अलग कलर यूज़ भी कर सकते हैं हम, डार्क और लाइट, ऐसे हमें भरना है। हम पूरा कलर नहीं करके इस तरह से शेप्स बनाकर हम अपनी कलर को कंप्लीट करेंगे। तो हमने देखा, इस तरह से हम पूरा कलर नहीं करेंगे, जैसे हम पेपर में कोलाज करते हैं वैसे ही हमने इसे किया है। पानी को भी हमने ऐसे बनाया, पेपर के कटआउट्स जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह। कुछ बोलना है तो बोल सकती है, वो मैं काट देता हूँ ऑडियो, टेंशन मत लेना, सब ठीक मैंने हो वीडियो हटा जाएगा। दिया। हाँ, वापस स्टॉप करके आई कीजिए, प्ले किया मैंने, कीजिए ना, जल्दी जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए। मैंने एक ही बार से किया था ना, क्यों अलग अरे अलग। ऐड हो जाता है, आप कीजिए ना। आपको बोलना है आप 5 सेकंड पॉज देके बोलिए। हाँ, जहाँ बोलो आपको कुछ बोलना है थोड़ा पॉज ले लीजिए और फिर बोलिए, काट के भी हो जाता है सब कुछ। 5 सेकंड नहीं मतलब, अभी ग्रास में भी हम ऐसे स्क्वायर बना देंगे। फिर से बोलिए वो। अभी ग्रास में हम से स्क्वायर बना के ग्रास को भी कंप्लीट करेंगे, पूरा कलर नहीं करेंगे इस तरह से। इसे करने में बहुत अच्छा लगता है, हमें मज़ा आता है। आप कोई भी शेप ले सकते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, इस तरह, ठीक है। अब ये जो ग्रास है इसे हमें पूरा करना है, तो हम दूसरा कलर लेंगे ग्रीन, और इसे हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से हम ग्रास को कर सकते हैं।
से ऐसे ट्रायंगल बना के हम इसके फ्लावर्स के लिए डंडी बना सकते हैं इस तरह, और इसके छोटे से लीव्स ले सकते हैं। जितना पास पास करना चाहे वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा करना है कि पता चलना चाहिए कि हमने पेपर के टुकड़े जैसे से शेप दिया है, जैसे हम कोलाज करते हैं, इसे फिल भी पूरा भर देंगे कलर को अंदर, ताकि ये पेपर के टुकड़े की तरह दिखे। अंदर वाइट नहीं रखना है हमें, सब जगह अंदर कलर भर देंगे हम। इस तरह से अभी ये जो ग्रीन किया है उसके अंदर भी हम कलर डाल देंगे। बस इससे इस ड्राइंग को करने में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर जो है वो वाइट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे पेपर के टुकड़े की तरह से बनाया है कि हमने पेपर के टुकड़े जैसे कोलाज में चिपकाते इस तरह इस तरह। अभी ऊपर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे कलर है क्लाउड में, बर्ड्स बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, कोलाज ड्राइंग। और ये खाली जगह इसे भी आप अपने मन से कलर दे सकते हैं अच्छे तरीके से और भर सकते हैं स्काई ब्लू। तो स्लाइट हैंड से हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, बाकी जगह कोलाज करेंगे और जहाँ खाली जगह है वहाँ पे थोड़ा सा हम इस क्लाउड का इफेक्ट दे देंगे ब्लू कलर से, लेकिन हम लाइट हैंड से करेंगे। हमारी ड्राइंग इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। सीनरी आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें, हट बना सकते हैं, फार्मर बना सकते हैं, और भी जो बनाना चाहे बना सकते हैं। चलो बाय बाय एवरीवन।